हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, हमारा आज का जो नया लेसन है वो है पोल्यूशन के बारे में, यानी कि आलूदगी। आलूदगी मतलब गंदगी, पोल्यूशन। और आज हम जिस पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने बेसिकली तीन टाइप में जो है रखे हैं। पहली टाइप है वो है एयर पोल्यूशन, दूसरी है वाटर पोल्यूशन, और तीसरी है जो है सॉइल पोल्यूशन। तो हम इसको जो है डिटेल में जो है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन पर। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन मतलब फिजाई आलूदगी या हवा की गंदगी या हवा की आलूदगी, एयर पोल्यूशन। अब हवा के अंदर बहुत सारी ऐसी गैसेस का मिल जाना जो लिविंग थिंग के लिए, जिंदा चीजों के लिए जो है वो हार्मफुल हो, तो ये गैसेस का मिल जाना या फिर डस्ट पार्टिकल का मिल जाना या कोई ऐसे पार्टिकल्स का मिल जाना जो लिविंग थिंग के लिए, खास तौर पर ह्यूमन बीइंग के लिए या प्लांट्स के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए जो है वो नुकसानदेह हो, तो इस कंडीशन को या हवा के अंदर इस तरह की चीजों के मिल जाने को हम जो है वो एयर पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे डिफरेंट गैसेस होती हैं जिनमें शामिल है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स, मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो नाइट्रोजन से बने हुए हैं। तो ऐसे नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स जो है, ये कुछ इस तरह के कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसी गैसेस हैं जो अगर हवा में शामिल हो जाए तो उसकी वजह से एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं। ऐसी एयर को जो है हम पॉल्यूटेड एयर बोलते हैं, यानी आलूदा हवा जो है बोलते हैं। और इसके डिफरेंट रीजंस हैं। जरूरत से ज्यादा बड़े हुए जो फैक्ट्रीज और कारखाने हैं, उनसे निकलने वाली जो डिफरेंट गैसेस है, वो डिफरेंट गैसेस जो है वो एयर के अंदर शामिल हो रही है, हवा के अंदर शामिल हो रही है, और उसकी वजह से जो है वो हवा जो है वो पॉल्यूटेड हो रही है। तो दिस इज अबाउट द एयर पॉल्यूशन, जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है। एयर पोल्यूशन के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है अबाउट द वाटर पोल्यूशन, यानी कि पानी की आलूदगी। और पानी की आलूदगी के भी डिफरेंट रीजंस है, अलग अलग तरह के जो है मटेरियल्स जो हमारे डेली यूज में भी आते हैं, हम उसको जो है वो गंदी चीजों को पानी के अंदर जो है वो शामिल कर देते हैं, चाहे वो लिक्विड की शक्ल में हो चाहे सॉलिड की शक्ल में हो। हम वाटर के अंदर ऐसी गंदी चीजों को, ऐसे पॉइजनस मटेरियल को, जहरीली चीजों को जो है वो वाटर के अंदर शामिल कर देते हैं, और फिर वो वाटर जो है वो इंसानों के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है, और जो दूसरे लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, या फिर जो है वो दूसरे लिविंग थिंग हो, ऐसी चीजों के लिए जो है वो हार्मफुल हो जाता है। और उसके बाद एक और रीजन ये है कि वाटर पोल्यूशन की वजह से वो आलूदा पानी जो है जब खेतों में जाता है तो वो जो है खेतों की जरखेजी को, उसकी फर्टिलिटी जो है, उस फर्टिलिटी को भी जो है वो खराब कर देता है, कम कर देता है। तो ये बहुत सारे नुकसान है जो वाटर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो वाटर पोल्यूशन इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके भी रीजन जो है वो जानना जरूरी है कि जो है वो हाउस होल्ड, हमारे घरेलू इस्तेमाल के जो गंदी चीजें हैं वो पानी में शामिल होती है, या फिर जो फैक्ट्री से निकलने वाले डिफरेंट पॉइजनस मटेरियल होते हैं, वो पॉइजनस मटेरियल्स भी वाटर के अंदर शामिल होते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। और तीसरा है हमारा, दैट इज सॉइल पॉल्यूशन, हमारा तीसरा टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी की आलूदगी। हम अलग अलग तरह के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, खाद होती है जो हम जो है अंधाधुंध जो है वो इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और इस जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से अलग अलग तरह के जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, या जो है वो अलग अलग तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो टेम्पररी तौर पर हमको जो है वो ऐसा लगता है कि ये फायदेमंद है, लेकिन इसके लॉन्ग लाइफ जो है वो
नुकसान होते हैं। और ये सॉइल की जो क्वालिटी है, जो मिट्टी की जो क्वालिटी है, उसको जो है वो खराब कर देते हैं। उसके बाद और भी दूसरे तरह के रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है सॉइल पोल्यूशन होता है, मिट्टी खराब हो जाती है। तो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, इस तरह के तीन टाइप जो है हमने देखे हैं जो हमारे माहौल के अंदर गंदगी फैला रहे हैं। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि जो चीजें पोल्यूशन फैलाती है, ऐसी चीजों को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे हमने देखे अभी क्या है, SO2, CO, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद कुछ पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट टाइप के जो फ्यूल्स हम यूज करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, इस तरह के डिफरेंट फ्यूल्स, ये फ्यूल्स जो है ये पॉइजनस गैसेस को रिलीज करते हैं। और वो जहरीली गैसें जो है हवा में शामिल होती है, या जो लिक्विड की शक्ल में जहरीला मटेरियल निकल रहा है वो वाटर के अंदर शामिल होता है या सॉइल के अंदर शामिल होता है। तो ये जो फ्यूल से निकलने वाले पार्टिकल्स हैं, ईंधनों से निकलने वाले जो पार्टिकल है, वो भी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से भी पॉल्यूशन फैलती है। सो अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि पॉल्यूशन के जो रीजंस है वो रीजंस नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल मतलब वोल्केनिक इरप्शन वगैरह, अर्थक्वेक्स, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के जो है नेचुरल डिजास्टर्स, कुदरती आफतें जब आती है तो वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी एनवायरनमेंट का जो निज़ाम है, उनका जो बैलेंस है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी वजह से भी जो है डिस्टर्बेंस होता है और पोल्यूशन जो है ओरिजिनेट होता है, पोल्यूशन फैलता है। लेकिन पोल्यूशन की ज्यादातर जो रीजंस है वो मैनमेड है, क्योंकि मैनमेड एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज जब एनवायरनमेंट के बैलेंस को तोड़ती है तो उसकी वजह से बहुत सारे पॉइजनस मटेरियल जो है वो शामिल हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। और इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनमेड रीजंस जो है ये सबसे ज्यादा जो है क्या बोलना चाहिए उसको इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि मैनमेड रीजंस पोल्यूशन के। तो देखिए इस तरह से हमने पोल्यूशन के बारे में बेसिक चीजें जो है देख ली। अब देखिए हम इसके बाद पोल्यूशन की वजह से इंसानों की या प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ पर क्या असर पड़ते हैं। तो इंसानों के अंदर डिफरेंट टाइप की जो डिसीजेस है, बीमारियां हैं, जो डिसऑर्डर्स है, वो डिसऑर्डर्स एयर पोल्यूशन हो, वाटर हो या सॉइल पोल्यूशन हो, इसकी वजह से डिफरेंट टाइप की डिसीजेस पैदा होती है। प्लांट्स के अंदर भी होती है, बहुत सारी क्रॉप्स जो है, फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती है, अलग अलग तरह की डिसीजेस एनिमल्स के अंदर भी फैलती है, उनके अंदर डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। तो पोल्यूशन के जो है असर, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर हो या सॉइल पोल्यूशन हो, उसके इफेक्ट, उसके असर जो है वो ह्यूमन बीइंग पर भी पड़ते हैं, उसके बाद प्लांट्स पर भी होते हैं और जो दूसरे एनिमल्स हैं उन पर भी होते हैं। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा लेसन है, ये टोटली जो है पोल्यूशन के ऊपर टिका हुआ है। और ये जो है 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर, उनके लिए ये खास तौर पर फायदेमंद है। तो ये हमारा लेसन 8th क्लास के अंदर मौजूद है। तो ये जो है पोल्यूशन का हमारा लेसन, इस लेसन की स्टडी स्टूडेंट्स ने डिटेल में करना चाहिए।